बैटरी पैनल जो है आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए ये पैनल है, वहाँ जाओगे बैटरी ऑन करोगे, बैटरी ऑन कर दीजिए। ये देखो मैं बैटरी ऑन करके कभी देखे करके बोलो ना करो ये बैटरी। आपको कुछ इंडिकेशन मिले इधर आ जाओ, दिख गया है दिखाएगा, अभी तो बंद है ना, फिर देखो बैटरी से चार्जिंग लेके आया हूँ, इंडिकेशन पैनल को ऑन करके रख दिया, ये हो गया बंद करो इधर आ जाओ। उधर जैसा है वो इधर भी, ठीक है। एलईडी का इंडिकेशन आप इधर, एलईडी का इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, एट एलईडी दिख रहा है, एलईडी इंडिकेशन पैनल, सेम पैनल आपके सामने में दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी कन्वेंशनल लोगों को कोई ऐसे नहीं स्टार्ट करो प्रोसीजर से, बैटरी हम सब चेक कर लिए, मान लीजिए चेक कर लिए, अब बैटरी नाइफ मैंने दे दिया, बैटरी नाइफ देने के बाद में क्या करना है, चलो आप देने MP1 MP2 उससे पहले एक चीज इंसर करो, MPCD का जो मेरा है माइक्रोप्रोसेसर का वो ऑन है कि नहीं है, नहीं है इसमें, देखिए कोई बात नहीं, की बात है ऑफ है सर, ऑफ है सर, हेलो बोलता करा दे MP1 MP2 कौन सा, हां हो गया उसको, हां MP1 MP2 चलो MP1 MP2 करो, ये पाजेटी और ये ठीक है। देखिए मेरा कौन सा साउंड आ रहा है आपको, ये आपका गवर्नर भी ये हो गया, मतलब ये मेरा डिस्प्ले भी ऑन हो गया, इसमें फॉल्ट निकल गया, क्या दिखा रहा है इसमें, मतलब ये सब दिखा रहा है, आईडी तो है, आईडी तो बैटरी वोल्टेज देख लीजिए कितना है, करेक्ट है ना जी, RPM 0 67.8 सामने मेडिकेशन क्या दिखा रहा है, डस्टबिन देखे ना, वो आने देखिए उसका जलाइए, ऑन करो डीबी ऑन करिए, ये लाइट बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हुआ, पूछो रोशन को बंद हो गया ना जी, एक दिया की दो दिया होगा, ये कारबाड़ी का रहेगा और ये किसका रहेगा, इंजन का रहेगा, तो चार टुक है ना, तो इंजन में मेरा जब इसमें कम मेरा पावर एंड में जब मैं करता हूँ अल्टरनेटर रूम का जब भी करूँगा तो वो क्या चीज दिखाएगा, मेरा इंजन दिखाएगा DEB इंजन, और कारबाड़ी जब दिखाएगा तो एक वो कंप्रेसर रूम का जो हम लोग देखे थे, आप देख सकते हो साउंड आ रहा है, पूछा रहेगा सर चार एग्जास्टर चालू हो गया, एक को बंद करिए, इंजन को बंद करिए, नहीं गलत किया, इंजन को बंद नहीं किया, कारबाड़ी को बंद किया, ये देखिए साउंड बंद हो गया, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि चारों चलता है कि नहीं चलता, इंश्योर करना है, और ये इंजन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंजन को चलने के लिए मैं क्यों बोला हूँ, वही साइक्लोनिक फिल्टर से हवा आएगी और वो पूरा उतना मेन जनरेटर में जो गर्मी है उसको कूल करना है ना, उसके अंदर तक करेगा वो पूरा एग्जॉस्ट होगा वहाँ से, और वहीं पर क्या चीज़ दे दिया आपको, रेक्टिफायर का पूरा बैंक दे दिया, यूनिट दे दिया है, रेक्टिफायर को भी तो करना है ना, कूल करके रखना है, उसमें उसमें भी ट्रबल है, कोई डायवर्ट डायवर्ट फट गया फिर वो काम करने वाला है वो काम नहीं कर पाएगा, तो वो पूरा बैंक को करना पड़ता है करके, इंजन कारबाड़ी के लिए आपको इंडिकेशन भी दोनों को नहीं देता है, देने के लिए कारबाड़ी के लिए भी देता है, इंजन के लिए भी देता है, तो दोनों का एग्जॉस्ट मेरा ऑन होना चाहिए, इसको इसको भी ऑन करना, ऑन कर दीजिए, ऑन करने के साथ में वो करने की इनिशियल में जरूरत नहीं है, पावर स्टार्ट करना है तो उसको भी बंद कर दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओ, उसको बंद कर दीजिए, हाँ दोनों बंद करिए, इनकी जरूरत नहीं है पावर स्टार्ट करने में, मैं पावर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना है करके मौजूदा दीजिए पूछेंगे आपको, मजूमदार सर जब पूछेंगे क्वेश्चन करेंगे, डीजल इंजन स्टार्ट करने के लिए कितना मिनिमम आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, करके PLP भी मार दोगे आप, MCP भी मार दोगे, PLP भी देख लो, PLP भी है कि नहीं है, प्री लुब्रिकेशन पोस्ट लुब्रिकेशन तो फिर मर नहीं जाएंगे, ड्राई रन कर जाएंगे, अपने सिस्टम देखे भी ड्राई रन कर बैठेंगे, करो आनु सबसे पहले जब इंजन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले PLP भी ऑन कर देना, MPCB माइक्रो MEP का मेरा डिस्प्ले को ऑन करना है, ये बैकअप हो जाएगा, ये बैकअप होगा, दूसरा है मेरे को प्री लुब्रिकेशन चाहिए, प्री लुब्रिकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में MP1 MP2 ये हो गया, वो चीज़ हो गया, अब मेरे को फ्यूल पंप का सर्टिफिकेट ऑन करना पड़ेगा, करो MP कर दिया, MP अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी मास्टर MSB वाले जाएंगे तब मैं चलिए मास्टर फ्यूल अच्छा क्या नाम है राजन बोलता है एक्सीलेंट पेपर बनाएंगे खोज रहा था राजन को मैं करके फोन करूँ चलो मिल गया ठीक है ठीक है बढ़िया बना वाइबा भी अच्छा गया हाँ ये बोल रहा था अभी हम किए राजेंद्र का कहना है कि ये मास्टर फ्यूल पंप सर्किट ब्रेकर कर देने के बाद में कंट्रोल सर्किट ब्रेकर को भी दूंगा बोलता है तभी स्टार्ट होगा अभी हम मास्टर ब्रेकर को देंगे तो ही इसमें मास्टर को करिए मास्टर फ्यूल पंप सर्किट ब्रेकर ऑन करिए उसमें MFPB1 किसी में भी करते हैं MFPB1 और MFPB2 दोनों कंट्रोल स्टैंड के लिए MCB1 MCB2 भी तो पता नहीं है ठीक है 30 एम्पीयर का दिया है क्या 30 एम्पीयर लिखा है हां करो उस्मान करिए ये 30 एम्पीयर का ठीक है जो दे दिया करो ना
और दो ट्रक और बचा होगा, एक स्पेयर है उसमें तीन है क्या? एक जीएफ जीएफ होगा वो एकदम अलग में देख रखा होगा, उसके पास सिर्फ दो दिया है, तीन दिया होगा, एक स्पेयर है, एक एम ए पी बी है, एक एम सी बी है, एम सी बी टू है, एम ए पी बी टू है, डी बी उसमें भी दिया है, वही वाला हाँ उसको ऑन तो कर दीजिए, एम सी बी तो ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, एम सी बी को मत करिए, एम सी बी को आप कर दीजिए, हम राजन को झूठ बनाना चाहते हैं ना, वो बोला है ना कि हमको एम सी बी भी ऑन करना पड़ेगा, अब ऑन कर दीजिए, क्या क्या कर रहे हो आप, एफ पी बी, एफ पी बी हो गया ना, वो तो पहले करवा दिया था मैंने, मास्टर सिर्फ फ्यूल पंप, फ्यूल पंप सर्किट देखकर पहले ऑन करवा दिया था, फिर मैं करने के लिए बोला एम एफ पी बी वन, एम एफ पी टू को कर दीजिए, एम सी बी वन, एम सी बी टू करने को मुझे जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ आप स्टार्ट करके देखिए, पावर पावर स्टार्ट करके देखिए, पावर कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे मत करिए ना, ट्रेन कैसे अभी गैस बन गया है, वेपराइज हुआ है, थोड़ा भी यूज़ किया है, कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ पी एल टी वी चल रहा है, थोड़ा सा वो उसमें लुब्रिकेशन लुब्रिकेट को लेना है, और ये इंडिया जितने पार्ट है, अभी पार्ट जो इनिशियल में स्टार्ट होगा उसमें जाकर सप्लाई कर दे रहा है, इतना हो रहा है, इतना में गर्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी बार बार आप लोगों को, मिनिमम सिर्फ क्या चीज़ ऑपरेट करना है आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए, मुझे बताता था यही क्वेश्चन रहेगा, बता रहा हूँ मैं आपको, जिस दिन कॉम्पिटेंसी लेने आओगे ना उस दिन बताएगा, वो घुस गया ना क्लास में तो यही पूछेगा कितना ऑपरेट करना पड़ेगा, बोल एमबी वन एमबी टू, अब ऑन करो ना, अब सीएस को क्या करना है, एमबी वन एमबी टू हो गया, एमबी थ्री एमबी थ्री है, एमबी थ्री एमबी थ्री, ये की ऑलवेज ऑन रहता है, ये भले बंद करके रख दिया बहुत देर ऐसा रह गया करके, लेकिन उसको ऑन करके ही रखना है, हमेशा ऑन रहेगा, अब क्या करना है, एमबी वन एमबी टू और फ्यूल पंप सर्किट पे तीन आइटम जमा कर, वन करना है वहाँ पे ऑन करना है, एम एफ पी बी वन यहाँ कर देना है, एम एफ पी बी यहाँ कर देना है, जी एफ आप रहने दीजिए, मैं जी एफ को आप कर देता हूँ, जी एफ आप एक साइड आप कर दिया, मैंने आपको किया, ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग आप करना, उधर देखो देखिए वहाँ नहीं देगा, एक ही जान में देख ही दूंगा ना कितना ही बिजली, दूसरा पावर होता तो उसमें बिजली बंद करना पड़ता, मेरे इसमें बिजली ऑन करना पड़ता, मैंने बिजली ऑन किया पावर चुप करो, क्लियर है, चलो आप करो स्टार्ट करो, ऑन करने से क्या ये यहाँ से मेरा लोडिंग अनलोडिंग वर्णन करेगा टोटल दोनों एमयू एमयू रहने से ईपीजी जो देखे थे हम लोग उसी का स्विच यहाँ डाला, स्विच है ये ऑन करने से ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन रीडिंग लोगो कीपैड ऑन, चलो अरे यार ईपीजी का गवर्नर स्विच है, ईसीएफ को मैंने आइडल मीटर स्टार्ट करो ना, बहुत पहले स्टार्ट करो, देखिए क्या दे रहा है आपको, काउंटिंग होगा 620 और उसको दबा के रखना, टंबी पे दबा के रखना, छोड़ना मत, 10 मान लीजिए पाइजन तक छोड़ दिया तो फिर से करना होगा, छोड़ दो ना, लूज हो गया मान लीजिए, हाथ पाइजन इधर देख क्या निकल गया, माइक्रो प्रोसेसर गवर्नर को भी वो बोला कि जितने चीज आपने किया वो ओके कर दिया, मैं स्टार्ट करने के लिए रेडी होकर बोलता हूँ, ये भी जैसा ये इंडिकेशन आपके पास आना चाहिए, सेवन पैरामीटर बोला, ड्यूल प्रेशर दिखाएगा जब स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूल एयर प्रेशर, बूस्टर एयर प्रेशर, नॉच बता देगा हम कितने नॉच में आप पड़े हो, इंजन का आरपीएम बताएगा, फ्यूल रेक का मोमेंट बताएगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग उस दिन जो देखे थे ना लॉक करके वही, और ये एसीपी है लोड कंट्रोल पोटेंशियोमीटर, यानी एज पर लोड डिमांड आपका कितना फ्यूल रेक मोमेंट होना चाहिए वो चीज बताता है, एमटी गाड़ी में भी 8 नॉच खोल के जाएगा तो तेल ज्यादा खर्चा होगा यार, हाँ निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन वो एज पर लोड ही देता है, रेक को खोलता है 8 नॉच जितना लोड में खींचना, 3 सेंटीमीटर पूरा ओपन करना पड़ा ऐसा जरूरी नहीं, वो थोड़ा 15 mm के आसपास, 15 सेंटीमीटर के आसपास, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास में खुलेगा, 15 mm खुलेगा, क्यों खुलेगा 8 नॉच के लिए, वो तो भाग जाएगा उतना मस्ती, टॉप स्पीड है आपका 30 स्पीड है ना ब्रेन बॉक्स का, उतना ज्यादा मैं क्या लेके जाऊँ, ठीक है ये हो गया, ये रेडी कर दिया, रेडी करने के बाद आप पी एल बी आंसर वो करेगा ही, जितना बार भी आप स्टार्ट करो तो उतना बार भी पी टू बी, और जैसे 60 सेकंड का काउंट दे दिया है और इसी को स्टार्ट करने का कितना देर तक पोस्ट लुब्रिकेशन होता है राजेंद्र, 5 मिनट इंडिकेशन दे दिया, एलबीडी का इंडिकेशन दे दिया, जैसा इंजन स्टार्ट हो जाएगा आज ही जनरेटर फिल हुआ है, तभी इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा, और कितना आया 20 राजेंद्र को गलत हम लोग साबित करना चाहें, चलो 4 सेकंड 3 2 1 लोकेशन कंप्लीटेड, अब इंजन आरपीएम 7 होगा, 400 हो गया, हो गया जब प्रेशर लिखना शुरू कर दिया, जो बैल भी मेरा सर प्रेशर स्टार्ट हो गया, लुबार पंप चालू हो गया, लाइट पंप दिखा दिया 4/8, अभी क्या इंडिकेशन दे रहा है, आप चालू हो गया, आप उसको रिक्वायर पड़ रहा है ड्रैग गियर का, यार चालू तो करो, कर दो ऑन करो, सब बताएगा, टीवी हो गया, इंडिकेशन भी बंद हो गया, वहाँ पे लैंप चल रहा है, ऑक्सीलरी जनरेटर चल रहा है, ऑक्सीलरी ऑफ है, तो इधर देखो
वहाँ चले गए, इधर भी मेरा एम सी बी वन एम एफ बी वन सब बंद है, इधर भी बंद है, तो टी एल सिक्सटीन का मेरे को ये इंडिकेशन मिलेगा। आया ना तो समझ लेना, मैंने कंफर्म आप कर दिया। अब मेरा यहाँ पे मेरा MCB, MFPB1 ऑन रह गया, नहीं लगेगा, ये याद रहेगा, ये बता देगा आपको। जैसे आप करोगे ये इंडिकेशन मिलना चाहिए। अब हम लीडिंग लोगों में चले जाएंगे, लीडिंग लोगों में जाएंगे और अनदर सर्किट पे कर देंगे। तो MCB को MCB दे देंगे, यहाँ का मार्केट सब चला गया, इसीलिए रैंडम सभी को ऑन कर दीजिए। जो वो थ्योरी आ गया राजन का, सबको ऑन कर दीजिए, ऑन करो, बोलो एमबी वन एमबी टू एमबी थ्री, चलो 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 चलो, सीधा आता है। लेकिन फिर प्रॉपर वे जाओगे तो आपको ट्रबल नहीं आएगा, स्टार्टिंग का ट्रबल नहीं आएगा। ये स्टार्टिंग का ट्रबल आएगा कौन सा, मेरे टी आर पर ठीक हो जाएगा स्टार्टिंग ग्राउंड में, टी आर टू की टी आर वन, टी आर टू बोले थे ना भाई, टी आर टू है स्टार्टिंग ग्राउंड में जब होता है, तो जी आर टू यहाँ पर ट्रिपिंग मिलता है, तो जी आर पावर ग्राउंड, इनिशियल पावर ग्राउंड, एक टू आया था हाई करंट में, जब फ्रैक्शन में पावर ग्राउंड आएगा जी आर वन ऑपरेट होगा, जी आर वन के थ्रू जाएगा, और जब इनिशियल में होगा स्टार्टिंग में होगा तो मेरा जी आर टू से होगा। जी आर टू बोल दो यार, कंट्रोल को बोल दो, इसमें डी ए वी भी बंद ही रहेगा, डी ए वी बोलो चालू करो ना, क्या क्या है, लाइट वाइट सब चलाओ और चला भाई, बाकी चलाओ लाइट से क्या है, सब ग्राउंड कर सब ग्राउंड कर दीजिए, ये लाइट चल गया साहब, फैन चालू हो जाएगा, फैन चालू कर दीजिए, अरे फैन भी करो, अरे तो रेडिएटर रेडिएटर फैन का क्या, रेडिएटर फैन को रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं मेरा रेडिएटर फैन का, वो मैनुअल वो दिया है, मैनुअल इसको देके रखिए, इमरजेंसी सर्विस इधर बोलेगा क्या, आप मुझे इधर कुछ नहीं, ऊपर उधर बाहर निकल जाओ, उधर चले जाओ, फोटो खोल देना, ये सब देख लीजिए, ये सब सेंसर दे दिए हैं पूरा, और माइक्रोवेल अगर बेस्ट लोगों है करके जितने भी रिलीज हैं मिनिमम कर दिया रिले को, ठीक है, ये सब देके रखा है, जो इमरजेंसी रिलीज है जिनको देना ही पड़ा उनको उनको दिया है, बाकी को सब कन्वर्ट कर दिया है मेरा माइक्रोवेल के रूप में, इसीलिए रिले कम हो जाता है, इसमें सेंसर फनी दिक्कत हो जाता है ना, तो वो सेंसर का है। अच्छा आई भी मेरा लगा है ना, आई भी लगा है, ये स्ट्रक्ट कनेक्शन है या कंफर्म करने के बोला था दोनों, और आप लोगों की दोनों को देखिए काक बंद होना चाहिए, बिजली मीटर काक है एयर इनका एस इनका दोनों बने, इधर दोनों ऑन होगा, इसमें बिजली प्रेशर वगैरह बनना शुरू हो गया होगा, देखो उधर देखिए आई जी को रिलीज करिए, आई जी को रिलीज करिए, तो आइए अब बंद करिए, हेलो सही बोलो, हेलो भी निकल सर, ये कर रहा है प्लस देख कर पाया, बचाए मेरे से यार, ये सेट करके बन गया सर, हां ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, करो ना करो, बस छोड़ो 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 छोड़ो, अरे उसमें लॉजिक है यार, तभी तो मैं बोल रहा हूं ऐसा कर ही नहीं पाओगे, अरे आपने बीपी ड्रॉप कर दिया है, एक सेकंड प्रेशर का जंक्शन ब्रेकिंग होगा, कंजक्शन ब्रेकिंग होगा तो आप लगेगा, तो उसमें 1.8 और एक बार समझा दीजिए, ये ब्रेकिंग सिस्टम का नाम है कंजक्शन ब्रेकिंग, यानी इसका मतलब ये होता है A9 जब हम है A9 वाल्व से जब हम प्रेशर ड्रॉप करेंगे इंजन में भी ब्रेकिंग लगेगा, साथ ही साथ फॉर्मेशन में लगता है, मेरा मेन एम रहता है इसका फॉर्मेशन में ब्रेकिंग करने का, लेकिन साथ ही साथ में
इन दोनों का बीच में लोग स्पीड का रिफंड नहीं हो जाए करके इसमें भी इक्विपमेंट हमको 1.8 से तक लेके जाता है मैक्सिमम जैसे कि अमाउंट का ड्रॉप करो 1.8 से ज्यादा नहीं जाएगा। इसका भी पैसा इसका भी मेरा लोगों का स्पीड भी कम होगा जिसके चलते मेरा परमिशन तो कम ही हो रहा है ये भी कम होगा तो मेरे को जर्क वगैरह नहीं आएगा कभी टूटने का डर नहीं रहेगा बट मेरे को बार बार हाई स्पीड में करूंगा तो हर बार जितना बार मैं चेक करूंगा जस्ट चेक करूंगा स्पीड तब भी लगेगा। पीवीएफ को दबा दीजिए एलबीआरएस पड़े थे ना एलबीआरएस वहां पे लगा होगा एलबीआरएस दबाओ ये देखिए पूरा रिलीज कर दिया एलबीआरएस गाड़ी के आप लोग अच्छा लोको ब्रेक लोको ब्रेक अब बीसीडी दबाओ एक कोई चीज को दबाओ बीसीडी अरे बार बार को दबाओ तभी चेक होगी बीसीडी दब जाए इसमें सिर्फ हमारे वैसे होगा अभी लोगों ने धीरे कर दिए थे अब जाके लगेगा अभी आप लोग बोल रहे थे 1.8 से कोई कोई निकला था बिजली वाला केस में 1.8 से या 2.1 से कम हो जाएगा तो बिजली मेरा एक्ट हो जाएगा यस सर तो मिनिमम 2.1 होना चाहिए बिजली नहीं लगेगा हर बार बिजली आएगा तो अभी इनको लगा हुआ है मेरा यस सर इनको रिलीज कर दीजिए ये सर इनको लगा दीजिए अच्छा किसी को डाउट है इसमें वो देखे क्या हो जा रहा है ये लगा दो लगा दो अच्छा देखो आप रिलीज कर दो आप रिलीज कर दो लगाते तो नहीं लगता है।